नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खाना खा लेने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक कि जो आपने खाया है वो खाना अच्छे से ना पच जाए और उसके अंदर का पोषण आपके शरीर को ना मिल जाए, तब तक ये पूरी प्रोसेस पूरी नहीं होती और आपका शरीर उन खाई हुई चीजों का फायदा नहीं ले सकता। तो ऐसे में अगर आप कोई भी चीज खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं तो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि खाना खाने के बाद एकदम सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हम लोग पैसा कमाने के लिए रात रात भर काम करते हैं और सबसे बुरी है काम करते हैं 8-9 बजे तक और 9 बजे 10 बजे खाना खाने के बाद एकदम सो जाते हैं, जो कि सबसे बुरी आदत है। अगर आप खाना खाने के एकदम बाद सोते हैं तो आपका शरीर इससे बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहता। आपके शरीर में मोटापा आना, गैस की प्रॉब्लम होना, पाचन से संबंधित सारी प्रॉब्लम होना आपका खाना खाने के बाद एकदम सोना ही है। अगर आपका शरीर मोटा होता जा रहा है तो आप समझ जाइए तो आप रात को खाना खाने के एकदम बाद सो जाते हैं। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है खाना खाने के बाद एकदम टहलने बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि देखा जाता है कि हम में से बहुत से लोग खाना खाने के बाद सैर करते हैं और हमें लगता है कि खाना खाने के एकदम बाद अगर सैर करेंगे तो खाना अच्छे से पचने लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी खून है उसका सारा प्रभाव हमारे पेट के ऊपर चला जाता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट को उस खाने को पचाना होता है। ऐसे में हमारे पेट को एनर्जी चाहिए और जो हमारा शरीर है वो हमारे शरीर के सारे खून को हमारे पेट की तरफ ले जाता है, लेकिन जब आप सैर करना शुरू कर देते हैं तो वो खून का सारा बहाव आपके पेट से हटकर आपके पूरे शरीर में चला जाता है, जिससे आपके खाने को पचने में दिक्कत आती है। तो अगर आप खाना खाने के एकदम बाद टहलने जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा और धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो खाना आप खाते हैं वो अच्छे से नहीं पचेगा तो आपको उसका बेनिफिट भी नहीं होने वाला। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि खाना खाने के कम आधे घंटे बाद ही आप टहलने निकलें। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद कभी भी ना नहाएं। अगर आपको नहाना पड़ भी जाए तो आप सिर्फ गर्म पानी से ही नहाएं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तब हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, हमारे पेट के अंदर अग्नि जलती है। तो ऐसे में अगर आप एकदम बाद नहाने लग जाते हैं तो आपका सारा डाइजेशन का प्रोसेस बिगड़ जाता है और आपके खाने को पचने में ज्यादा समय लगता है और जो भी पोषण आपको मिलना था उससे कम पोषण आपको उस खाने से मिलता है। इसके अलावा अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो आप खाना खाने के एकदम बाद सिगरेट ना पिए, क्योंकि जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत है उनको ये भी आदत होती है कि लंच करने के बाद एकदम बाद सिगरेट पीनी ही है। दोस्तों, एक तो सिगरेट शरीर के लिए वैसे ही अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इससे आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, सांसों से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा, जब आप सिगरेट को खाना खाने के एकदम बाद पीते हैं तो वो आपके लिए 10 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। तो आप ध्यान रखें कि आप सिगरेट खाना खाने के एकदम बाद बिल्कुल भी ना पिए। अगली चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि खाना खाने के एकदम बाद फल ना खाएं। फल तो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन खाना खाने के एकदम बाद फल खाने से ना तो हमें फलों का फायदा मिलता है और ना ही खाए हुए खाने का फायदा। तो अगर आपको खाने के बाद फल खाने हैं तो आधे एक घंटे का गैप जरूर रखें और खाना खाने के एकदम बाद पानी बिल्कुल ना पिए, क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र कमजोर होता है, मोटापा आता है और आपके शरीर को ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स लगती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।